कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है। किम भी उसका पीछा करता है और पीछा करते करते किम मेट्रो स्टेशन पर पहुँचता है और चो वहाँ पर खड़े लोगों से किम पर हमला करवा देता है। उनसे बचते बचाते किम चो की ओर भागता है, तब वो देखता है कि एक लेडी अपने बच्चे को रेलवे ट्रैक पर फेंक देती है चो के इन्फ्लुएंस में। तभी वहाँ पर ट्रेन आ रही होती है और वो बच्चा ट्रेन के नीचे दबकर मरने वाला होता है, पर अचानक किम जंप करता है, उस बच्चे को कैच करता है और ट्रेन से टक्कर खाकर वहीं गिर जाता है। लेकिन बच्चे को कुछ भी नहीं होता और वो बच्चा बच जाता है। पर इस दौरान किम को बहुत ही ज़्यादा इंजरीज होती है और उसके बाद पब्लिक को चो नॉर्मल कर देता है। किम किसी तरह एक चेयर पर बैठता है और चो भी उसके पास बैठ जाता है और कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर तुम मेरे रास्ते में नहीं आते। और तभी किम बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं पुलिस ने किम के खिलाफ वारंट निकाल दिया था और अगली सुबह किम अपने पुराने वर्क प्लेस पर जाता है जहाँ पर उसके दोस्त अभी भी काम करते थे। अली और किम बात करते हैं और बॉब बाहर नज़र रखता है कि कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि अब किम एक क्रिमिनल हो चुका था तो कोई भी पुलिस ऑफिसर को फ़ोन कर बता सकता था कि किम यहाँ पर आ चुका है। किम कहता है, यही मेरी डेस्टिनी है। अली उसे समझाता है कि पुलिस को सरेंडर कर दो और उन्हें चो को ढूंढने दो, पर किम उसकी बात नहीं मानता है। वो कहता है, पुलिस या कोई भी उसे नहीं पकड़ सकता, सिर्फ मैं। अली फिर भी किम को दलदल से निकालने के लिए पुलिस को कॉल करने की सोच रहा था कि बॉब आकर उन्हें एक आइडिया बताता है और वो तीनों एक पॉन शॉप के पास जाते हैं और उससे उसकी CCTV रिकॉर्डिंग देखने की मांग करते हैं। वो लोग उससे पूछते हैं, आखिर आपने किसी आदमी को देखा है जिसके पास सुपर पावर्स हो? पॉन शॉप वाला उन्हें वहाँ से भगा देता है पागल समझकर। फिर वो तीनों और भी कई जगह ट्राई करते हैं लेकिन उनका काम नहीं बनता। रात में अली एक आइडिया निकालता है और हेलमेट पे फ़ोन को अटैच कर किम को पहने देता है, ये सोच कि वो लोग फ़ोन के कैमरे को ऑन कर रास्ते को देखेंगे कि ताकि जब चो उनके सामने आ जाए तो चो उन्हें कंट्रोल ना कर सके, ऐसा अली को लगता था। फिर वो लोग एक लाइट गन भी बनाते हैं जिससे गोली फायर करते ही चारों तरफ रोशनी हो जाएगी और चो उस रोशनी में उन्हें नहीं देख पाएगा जिसके कारण वो उन्हें कंट्रोल भी नहीं कर पाएगा। अब हम एक लेडी को देखते हैं जिसके घर पे कुछ ऑफिसर्स छानबीन कर रहे होते हैं। तभी वो लेडी बचपन के चो को इमेजिन करती है और उसे देख खुश हो जाती है। हम एज एन ऑडियंस समझ जाते हैं कि ये चो की माँ है। तभी अचानक चो उन्हें मारने को आता है लेकिन मार नहीं पाता और वहाँ से सारे ऑफिसर्स को अपने साथ ले जाता है और उन्हें एक ड्रेनेज पे जम करवा देता है। फिर उसकी मॉम उसके कंट्रोल से बाहर आ जाती है और उसे ढूंढने को घर से बाहर जाती है, लेकिन चो तब तक जा चुका था। अगली सुबह किम अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में जा रहा था और वो लोग बात कर रहे थे कि पहले चो को हराएंगे फिर अच्छी पार्टी करेंगे। फिर किम गाड़ी में ही सो जाता है। रात हो चुकी होती है और अचानक उसकी नींद खुलती है और तभी वो देखता है कि बॉब अपना कंट्रोल खो चुका है और अली पर हमला करने जा रहा था उस गन से, लेकिन किम उसे बचाता है और गाड़ी रोकता है। गाड़ी से बाहर आकर वो देखता है कि चो सामने की बिल्डिंग के ऊपर से बॉब को कंट्रोल कर रहा होता है। किम तेज़ी से उन्हें पकड़ने भागता है पर बिल्डिंग के अंदर के सारे लोग चो के काबू में होते हैं और चो कहता है कि अगर मैंने इन सबको बिल्डिंग से जम करवा दिया तो इनकी मौत का जिम्मेदार कौन होगा, मैं या तुम? फिर चो कहता है, आखिर कौन जीतेगा, मैं जिनके पास इतने लोग हैं लड़ने के लिए या फिर तुम जिसे इतने लोगों से लड़ना है? चो की वार्निंग के बाद भी किम वहाँ से नहीं जाता तो चो सबको जम करवा देता है। किम ये देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। चो जल्दी से अली की गाड़ी की ओर जाता है और वहाँ पे अली और बॉब हेलमेट पे फ़ोन लगाकर पहने हुए थे और लाइट गन को चो पे पॉइंट कर शूट कर देते हैं, ये सोचकर कि लाइट में चो कुछ देर तक कुछ भी नहीं देख पाएगा। लेकिन उनका प्लान फ्लॉप हो जाता है और चो उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाता है। किम उन दोनों को ढूंढता है लेकिन वो दोनों नहीं मिलते। फिर किम अपने बॉस के ऑफिस में वापस जाता है और अपने दोस्तों को वहाँ पर देख पाता है जिनके गले में रस्सी बंधी हुई थी। तभी चो उसे भी बेहोश कर देता है और जब किम को होश आता है तो वो खुद भी उसी हालत में होता है। चो ने उन तीनों के गर्दन में रस्सी बांधी थी और उन्हें एक टूल पे खड़ा कर दिया था, तो अब सिचुएशन ऐसी थी अगर वो टेबल से हटेंगे तो फांसी के कारण मारे जाएंगे। किम कहता है, मुझे मार दो पर इन लोगों को छोड़ दो। चो कहता है, मैंने पहले ही कहा था तुमने माना नहीं तो अब मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? और फिर चो अली और बॉब को उनके टूल से जम करवा देता है और वो लटक जाते हैं, यानी वो दोनों मरने वाले होते हैं। पर किम अपने टूल को अपने पैरों से मारकर हटा देता है, उसके बाद स्विंग कर ऊपर रखे कटर को नीचे गिराकर कैच करता है और उसकी मदद से खुद को भी फ्री करता है और फिर अपने दोस्तों को भी। लेकिन जब तक किम उन्हें फांसी से उतारता है तब तक वो मर चुके होते हैं। किम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि पहले तो उसके बॉस और फिर उसके दोस्त भी चो के कारण मारे गए और वो तेज़ी से चो के पीछे जाता है। किम देखता है कि चो ने रेचल को भी अपने कंट्रोल में कर लिया था और उसे अपने साथ ले जा रहा था। कि अपनी गाड़ी से चो की गाड़ी का पीछा करता है पर अचानक से चो की विजन कमज़ोर हो जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो कार से बाहर आता है लेकिन उसका नकली पैर गाड़ी में ही रह जाता है।
तो चो अब तेजी से भाग नहीं सकता था। इधर किम की कार की पेट्रोल खत्म हो जाती है और स्पीड स्लो हो जाती है। चो वहाँ के सारे चलते हुए कार्स के लोगों को कंट्रोल कर किम से टकराने की कोशिश करता है। तभी किम को उसके दोस्त दिखते हैं और उसे वो याद दिलाते हैं कि उस कार में एक नाइट्रो भी है। वो उस बटन को क्लिक करता है और तेजी से सबसे बचता बचाता चो की ओर जाता है। फिर चो किम के ऊपर पुलिस गन से गोली चला देता है और किम का भी एक्सीडेंट हो जाता है। अगले सीन में चो अपने नकली पैर को वापस लगाता है और रेचल को लेकर सामने की बिल्डिंग के टेरेस पर चढ़ जाता है। किम भी उसका पीछा करता है और दोनों थक चुके थे। किम फिर चो को पकड़ कर बहुत मारता है। तभी चो उसे बताता है कि रेचल कहाँ है ये तो देख लो। दरअसल उसने रेचल को बिल्डिंग की लेज पर खड़ा कर रखा था और कहता है बचा सको तो बचा। किम उसके पास भागता है कि तभी चो उस पर गोली चला देता है। चो उसे फिर बहुत मारता है लेकिन किम हिम्मत कर चो को अपने साथ बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। दोनों नीचे की ओर गिर रहे होते हैं और एक कार पे गिर जाते हैं, लेकिन चो नीचे था और उसके ऊपर किम। रेचल किम की कार नीचे नहीं गिरती और वो छत पे ही बेहोश हो जाती है। उसके बाद दिखाते हैं रात हो जाती है और रेचल को होश आता है और खुद को बिल्डिंग के छत पे पाकर वो हैरान हो जाती है। उसके बाद हम देख पाते हैं किम जिंदा बच जाता है और चो मारा जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं किम लगभग पैरालाइज हो चुका था और रेचल के पास मेट्रो स्टेशन पे जाता है और हम देख पाते हैं रेचल अब एयर हॉस्टेस बन चुकी होती है। तभी वहाँ पे पब्लिक को मेट्रो ट्रैक पे एक लड़की गिरी हुई मिलती है। सब लोग देख रहे होते हैं कि उसे कौन बचाएगा और तभी ट्रेन भी आ रही होती है। मेट्रो ट्रेन से दबकर वो लड़की मरने वाली होती है कि तभी किम जोर से चिल्लाता है और अगले सीन में वो दूसरी तरफ के प्लेटफॉर्म पे उस लड़की को बचाकर ले जा चुका था। और फिर रेचल और किम एक दूसरे को स्माइल देते हैं एंड यहाँ पे ये फिल्म एंड हो जाती है। सो सबसे बड़े दो सवाल, नंबर वन, किम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गया? तो किम के पास नॉर्मल इंसानों से जल्दी हील करने की शक्ति थी, जस्ट लाइक चो जिसके पास टेलीकाइनेसिस की पावर्स थी एंड किम के पास हीलिंग पावर्स। और इस वजह से किम अपने पहले बस एक्सीडेंट से भी बच गया और वो चो के कंट्रोल पे भी